हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं रिव्यू और अनरैपिंग करने वाला हूँ अपनी बाइसाइकिल की न्यू लाइट की, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में पैक है, तो ज़्यादा इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए तो नहीं है, इसलिए मैं इसे अनरैपिंग कर रहा। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे MRP 1699 शो कर रहा है, बट मैं इसे 1944 में खरीदा, 949 में खरीदा। और ये जो है पैकेट, उसके पीछे में इसका मैनुअल लिखा है, आप देख पा रहे हैं। 4 मोड है, ग्लेयर, लो लाइट, स्ट्रॉब और SOS, जो कि सारा डिटेल यहाँ मेंशन किया है। और ऊपर में जो ये देख रहे हैं, ये हॉर्न स्विच है। ये पीछे में इसका स्पीकर और चार्जिंग पॉइंट। और इसका जो बैटरी है, ये कैपेसिटी 200 mAh की है, 3.5 आवर्स में ये बैटरी फुल होती है। और ये मेड इन चाइना है। सॉरी दोस्तों, मुझे चाइना का सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट कुछ और ऑप्शन था नहीं, तो मुझे मजबूरी में इसे मंगवाना पड़ा। और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक लाइट है और एक डब्बे में इसका चार्जिंग केबल डाला है। मैं दिखाऊंगा, पहले इस लाइट को देख लें। ये लाइट है और ये जो वायर में है, ये इसका स्पीकर है, ये साउंड के लिए, बेल के लिए स्विच है। और इसका जो स्ट्रैप है, ये आप देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की स्ट्रैप है और यू साइड का बना हुआ लॉकिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी लॉक भी प्रोवाइड करती है। और ये रिंग टॉर्च जिसका, और ये डब्बे जिसमें टिप है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये चार्जिंग केबल है, और तो कुछ है नहीं। और ये जो लाइट में देख रहे थे, ये टच पैड है, ये स्विच के लिए नहीं है, और टच करने से ये स्टार्ट हो जाती है, आप देख पा रहे हैं। और इसका मोड चेंज करने के लिए आपको एक बार टच करना होता है, ऑन ऑफ करने के लिए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। तो अब देख पा रहे हैं मेरे रूम में लाइट पहले से जल रखी है, उसके बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ। ये स्ट्रोब मोड, ये SOS, ये क्लियर और ये लो लाइट बीम, ये मैं चारों मोड आपको दिखाया। और इस लाइट के साइड में आप देख पा रहे हैं, 2 रेड कलर की है, जो कि SOS और स्ट्रॉप में ये भी ब्लिंक करती है, जो कि बहुत अच्छी फीचर्स है। 949 के रेंज में मुझे इससे अच्छी लाइट कुछ ऑप्शन नहीं नज़र आ रही थी। अगर आप लोगों को कुछ इससे अच्छा इस प्राइस में कुछ पता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए मैं इसे रात में इसे चेक करता हूँ रोड पे। ये आप देख रहे हैं, ये मैं चारों मोड एक एक करके ट्राई कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगी लाइट, मतलब इस रेंज में इससे अच्छा लाइट तो मुझे नहीं मिला। मैं एक दो लाइट मंगवाया था और उसे रिटर्न भी किया था, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसका रिव्यू करने का। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कितना लाइट है। आइए मैं इसे राइड कर ले जाता हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं, सफिशियंट है एक बाइसाइकिल के लिए, एक MTB या रोड बाइक के लिए। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लाइट है, और इसकी स्ट्रोब भी अच्छी है। ये देखो आप, मैं इतने दूर जंगल में से डाल रहा हूँ, और इसका बीम देखो, लाइट बीम अच्छी खासी है। इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता, बट ठीक है। ये इसका स्ट्रोब मोड। थैंक यू दोस्तों, कैसा है लाइट आप बताएं। और इस रेंज में अगर इसके अल्टरनेटिव कुछ अवेलेबल है तो ज़रूर बताएं। और मैं जो बता रहा था, बिजी था एक्चुअली, मेरे ऑफिस में स्क्रैप टू आर्ट का एक पार्टिसिपेट लिया था मैं, जिसमें एक स्क्रैप मटेरियल से, रेलवे की स्क्रैप मटेरियल से एक इंजन बनाया गया था, स्टीम इंजन। और ये मेरी टीम जिन्होंने सब मिलकर इसे बनाया था, और ये आसनसोल रेलवे स्टेशन में नया एक स्टेशन सेंटर बना है, उसी में इसे लगाया गया है। तो मैं बहुत प्राउड फील किया कि मुझे इसके लिए चुना गया था, उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो लोग आसनसोल में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जाके वहाँ देखें, स्टेशन सेंटर में तिलोत्मा के अपोजिट साइड में ये लगा है, तिलोत्मा के सामने ये लगा है सॉरी। और ये मेरा टीम जो मैंने इसे बनाया था। और थैंक यू सो मच, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।